सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कोरोना महामारी के चलते लोग खून दान नहीं कर पा रहे, जिसके कारण थैलेसीमिया के मरीज और दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर खून उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए डेरा सच्चा सौदा सोनीपत की साध संगत ने अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षा पर चलते हुए मानवता की भलाई के लिए फिम्स हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में 65 यूनिट खूनदान किया है, ताकि कोई भी थैलेसीमिया या घायल की खून के बिना जान न जाए। आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा लगभग 134 मानवता भलाई के कार्य करता है, जिसमें खूनदान भी शामिल है। गत 8 मई को डेरा सच्चा सौदा ने भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर खूनदान किया था और डेरा सच्चा सौदा आज खूनदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पहले पायदान पर खड़ा है। सोनीपत में डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने इस खूनदान में अहम भूमिका निभाई। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।